सो फाइनली मैं पहुंच गया और आपको पता चल गया होगा मैं कहाँ आया हूँ। हे गाइस सलाम नमस्ते गेम शो कैसा का है। सो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि शेड्यूल बहुत लंबा है, शेड्यूल बदलने वाला है, तो मम्मी और लोगों को मैं पूना भेजने वाला था और मैं जाने वाला था कहीं और, तो मैं जाने वाला हूँ आज कहीं और, तो मैं आपको जाके अभी एयरपोर्ट पे बताऊंगा। और मुझे छोड़ने के लिए आए हैं अश्विन दादा, निशिकांत दादा और ये विनमेश दादा। ये मुझे एयरपोर्ट के अंदर तक मेरे साथ रहेंगे और मतलब मुझे कुछ, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट ट्रिप है, मतलब अकेला मैं आज जा रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया घूमने पहली बार, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जब भी जाऊँ मतलब आउट ऑफ इंडिया तो अकेला जाऊँ, तो आज मैं जाने वाला हूँ एंड बहुत कुछ सी नई नई चीज़ें देखने मिलने वाली है आपको, बहुत मज़ा भी आएगा और थोड़े थोड़े मेरे हाल भी होने वाले हैं, तो आपको भी आगे पता चलेगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं ट्रैफिक की वजह से, 1 hour 40 minutes बाकी है, तो जितना हो सके उतना जल्दी हमको पहुँचना है। 2:25 को बोर्डिंग बंद हो जाएगा और उसके बाद मुझे इमिग्रेशन वो सब करना, अगर इमिग्रेशन में अगर भीड़ हुई तो मुझे उसमें टाइम घुस जाएगा और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाएगा, तो मेरी फ्लाइट भी मिस हो सकती है, फटाफट जाना पड़ेगा। कसम से यार मुंबई की ट्रैफिक बहुत खतरनाक है, मैंने सोचा था कि मैं 11 बजे निकलूँगा बट हम लोग निकले 12:30। टाइम हो चुका है अभी इधर जाने का टाइम हो गया, इधर थोड़ी सी बस थोड़ी सी भीड़ है, देखते हैं हम लोग कब तक पहुँचते, बट प्रे करो मेरे लिए कि हम लोग जल्दी पहुँच जाए। बोर्डिंग करना है हम लोग, मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा हमारा बोर्डिंग, इसके बाद हम लोग जाएंगे इमिग्रेशन के लिए। फाइनली हमारा बोर्डिंग हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं अभी सिक्योरिटी, मतलब मेरा तो मेरी टेस्ट रिपोर्ट है मेरे नेगेटिव आया, तो जाइए हम लोग अभी सिक्योरिटी टेस्ट। तीन घंटे पहले आ जाऊँगा बट मैं ऑलरेडी 1.5 मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, मैंने जिनको उतना पूछा जो मुझे बता रहे हैं, देखते अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन के लिए, तो वहाँ पे मेरे से क्या क्या सवाल पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, तो चलते मेरी बात लगने वाली क्योंकि पहली बार रहने सब तो डर लगा। बहुत भाग दौड़ हो रही है, अभी मैं जा रहा हूँ फ्लाइट के पास और फ्लाइट में बैठ के बातें करेंगे हम लोग और सबसे मेन बात तब आने वाली जब उधर मेरा इमिग्रेशन होगा उतरने के बाद, पता नहीं वो लोग क्या क्या पूछेंगे और मोस्ट ऑफ उधर सब बातें इंग्लिश में होने वाली, तो और मजा आएगा, कोई नहीं देखते, मजा तो बहुत आएगा अकेला है। बहुत भागना पड़ रहा है, बहुत भागना पड़ रहा है। 68 मेरा गेट नंबर है, उधर से लेफ्ट मार के फ्लाइट में बैठूंगा। अभी जाएंगे अंदर फ्लाइट में, मैंने कुछ खाया भी नहीं यार मॉर्निंग से, मतलब निकलने के चक्कर में पहले 7 बजे उठा, फिर मैंने सोचा इतने जल्दी उठ के क्या कर, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं 11 बजे उठा, फिर फटाफट रेडी होने के होते होते हमको बजे 12:50 हो गया, फिर उसके बाद हम लोग निकले तो हमको वहाँ पर 1.5-2 घंटे तो हम लोग को ट्रैफिक में ही लगे। उसके बाद मतलब मुझे डरने लगा कि फ्लाइट मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये मैंने सोचा था ट्रैवलिंग का, बट बहुत से काम थे, बहुत से मतलब आपको भी पता होगा मैं इंस्टाग्राम पे भी अपने इतने अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसलिए बहुत से काम में था, तो मैं अपना स्ट्रेस फ्री करने के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए मैं घूमने जा रहा हूँ और उधर जाके मैं ना कुछ करूँगा, बस आपसे बातें करूँगा और आपको बहुत सी चीज़ दिखाऊँगा, घुमाऊँगा अपने साथ, अपने आपके साथ बातें करूँगा, घर वालों से बातें करूँगा, नेता से बात करूँगा, फ्रेंड से, बस और कुछ काम नहीं करूँगा वहाँ, ना कुछ ब्रांड प्रमोशन, ना कुछ नहीं, मैं सिर्फ स्पेशली घूमने जा रहा हुआ। और मेरी भी ख्वाहिश थी मैं फर्स्ट टाइम जाऊँ तो अकेला जाऊँ आउट ऑफ इंडिया, मुझे लगा कि मेरे बहुत हाल होंगे इंडिया में जाने के बाद, इमिग्रेशन में बहुत से पूछेंगे बट इतना पूछा नहीं, मुझे एक मस्ती टाइप लगा इमिग्रेशन में, भूख भी लग रही है और मुझे 4 घंटे अपनी भूख सहन करनी, और जब भी मुझे भूख लगती है तब मैं चिढ़ जाता हूँ, गुस्सा होता हूँ, दुआ करता हूँ कि कोई मेरे से फ्लाइट में लड़े नहीं, अगर कोई लड़ा तो गए, तो बस चुप बैठूँगा मैं, बस कोई मुझे लड़े ना। और फ्लाइट में जो मिलता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो कुछ अलग ही लगता है। जिन जिन लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो करना बाकी है तो फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, बस 4 lakhs फॉलोअर्स बाकी है अपने इंस्टाग्राम में 4 million होने के लिए, तो फटाफट 4 million कर दो, हमको बहुत से ये करने। एंड हाँ,
हमारे YouTube पे भी 1 मिलियन होने वाले हैं। आप देख रहे होंगे अपने चैनल पे 1 मिलियन हम लोग क्रॉस करने गए सब्सक्राइबर्स, तब वो भी खुशी अलग। लगभग मैं दुबई में रहूँगा जब मेरे 1 मिलियन होंगे। थोड़ा सैड हूँ कि जब मेरे 1 मिलियन होंगे तब मैं दुबई रहूँगा, बट कोई नहीं, किधर आके हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे अपना। हाँ, 1 मिलियन का मेरा एक सरप्राइज आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। मतलब 1 मिलियन भी नहीं आएगा, वो 1 मिलियन होके बाद में एक बार, वो स्पेशली 1 मिलियन के लिए ही रहेगा। चलते हम लोग अंदर। तो मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ एंड मुझे कुछ खाया नहीं, मैंने वेट कर रहा हूँ कब ये लोग मतलब प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे फ्लाइट का खाना पसंद नहीं, तो चिप्स वो सब खा लूँगा जो बहुत मतलब बहुत भूख लगे। और मैं पूरा वीक हो चुका हूँ, ये मुझे नींद आने गले में पहनने की, वो बोलिए अगर नींद आए तो ये पहन के सो, अगर ये नहीं था तो वो कहते हैं नींद में ऐसा होता है तो लचक जाएगा, इससे अच्छा ये पहन के सोना। उसने मुझे कहा था 3-4 घंटे का ट्रैवल है, तो बहुत भूख लगी यार मुझे, बहुत मतलब बहुत मास लगा है, तो पूरी गर्मी हो रही है, पता नहीं कब टेक ऑफ होंगे हम लोग। जूस, चलो फाइनली जूस को आया और ऑर्डर दे दिया। इनको भी बहुत भूख लगी थी, हम दोनों को बहुत लेट आया खाने के लिए, तो इन्होंने क्या डायलॉग मारा पता है, पूछने के बाद ही लगभग खाना मिलेगा। बट आ गया, बहुत भूख लगी बहुत। तो फाइनली मेरा जो है वो पता नहीं क्या बहुत कर रहे, इन्होंने ऑलरेडी खोला हुआ, सो आ गया जो है वो पता नहीं, पर खाना पड़ेगा। 3 मिनट बोला है खोलने के लिए, 3 मिनट 300 मिनट लग रहे हैं। 3 मिनट भी 300 मिनट लग रहे हैं, सही बोले, 2 मिनट और। बहुत लगी रहे यार, बहुत लगी। इस टाइम पे मुझे अपनी दीदी की बहुत याद आती है, अगर कुछ भी ऐसी भूख लगे तो 5 मिनट में रेडी करके खिला देती मुझे। कभी ना कभी हमको किसी ना किसी काम से घर से मतलब दूर जाना ही पड़ता है, और उस टाइम उसकी कमी महसूस होती है घर वालों की, और घर वाले जो चीज़ करते हैं उस चीज़ की। मिस यू दीदी, बहुत भूख लग रही है आज, बस तू यार तो इधर कुछ ना कुछ अरेंज करके देती जरूर। मिस यू, 1 मिनट और। चलो तो हमारे 3 मिनट्स हो गए कंप्लीट, तो हम खाना स्टार्ट करते हैं। वाह क्या चमची। मैं आंटी यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाता हूँ, ब्लॉग्स यानी मतलब जगह एक्सप्लोरिंग करता हूँ, घूमूंगा ना तो वो बताऊंगा लोगों को। ऐसे मैं गुजरात सूरत, मोदी जी का आदमी। हाँ मोदी जी, कट्टर मोदी जी का आदमी। ये लोग सही तरह ट्रीट नहीं कर पा रहे आज घर से खाने की कीमत। हाँ आज घर के खाने की कीमत पता चली, सही बात। जब घर में कुछ मन पसंद का नहीं बनता ना तब हम लोग बहुत खबरें करते हैं खाना खाने के लिए। आज उसी चीज़ की याद आ रही है कि उससे भी बेकार, बट क्या करें भाई, 450 रुपये दिया है, खाना पड़ेगा। मैंने सबसे मेन बात, मैं आज पहली बार फ्लाइट में कुछ खा रहा हूँ और मेरा पहला एक्सपीरियंस ही बहुत ख़राब रहा है। सो हमारा खाना हो गया, पेट तो नहीं भरा बट पहुँचने तक सहारा मिल गया पेट को। फिर से मेरा कोरोना टेस्ट हुआ, फिर से मेरे नाक में नली डाली, गुनगुन रहा है मेरे नाक में, और मैं अभी वेट कर रहा हूँ मेरे बैग का। बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। ये मैंने अकेले कैसे कर लिया मुझे पता नहीं, मेरे जैसा घोचू लड़का कैसे कर सकता है ये सब। मेरी बैग पता नहीं कब तक आएगी, ये मेरी क्या, तो ये मेरी ही बैग थी। तो थैंक गॉड
सब हो गया, अभी हम चलते हैं बाहर। बाहर मुझे कोई लेने आया है, सेटिंग लगा ये नीता शिलिंगकर अपनी, देखते उसका दोस्त कोई आया है, तो चलते हैं बाहर। एंड थैंक गॉड मैं बहुत सेफली पहुंच गया और बहुत अच्छे से पहुंच गया, आप लोगों की दुआ काम कर गई। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी पोस्ट स्टोरी पर, वो सब लोगों ने दुआ तो की होगी, एंड मेरे फ्रेंड्स घर वाले नीता सब ने, तो थैंक यू। अभी चलते हम लोग बाहर आउटसाइड। सो फाइनली मैं पहुंच गया, आपको पता चल गया मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ दुबई, और इनका नाम है अफजल भाई। अफजल भाई ना, हाँ अफजल भाई नाम है। तो ये मुझे लेने आए, ये नीता के फ्रेंड है। अब नीता पहले इधर डिपार्टमेंट में पहले जॉब करती थी, बैकग्राउंड आसर का जैसे बताया, तो ये तभी तब से उनके फ्रेंड है। तो इनको नीता ने कहा कि रोहित आने वाला है, तो रोहित को पिकअप कर लेना, तो भाई मुझे पिकअप करने के लिए आए। और मैं बैठा हूँ अपनी ड्रीम कार में, रेंज रोवर वेलार, जो मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक्स टू नीता एंड अफजल भाई, थैंक यू सो मच। मतलब सोचा भी नहीं था, मुझे पता नहीं था इनके पास रेंज रोवर वेलार है, पर ये बात मुझे नीता ने भी नहीं बताई थी। तो आया अचानक मुझे रेंज रोवर वेलार देखी, तो मैंने कहा मेरी ड्रीम कार है, बोले यार अच्छी बात है, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कार में बैठे हुए। मेरा है 70वां माला, ये देखो अभी मैं आया हूँ 48 49। मैं मेरे घर का 11th फ्लोर है, फिर भी थक जाता हूँ। ये तो 17th फ्लोर है भाई, 17th फ्लोर मतलब बहुत मुश्किल है। ये है भाई साहब का होटल, होटल के दर्शन कराते हैं। यहाँ भाई साहब सोएंगे। इस होटल की सबसे मेन बात बताता हूँ, लुक एट दिस। ये है भाई, मैंने मतलब जिन्होंने मेरा होटल बुक किया था उनको मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। ये टॉप फ्लोर है, एक नंबर व्यू है भाई, एक नंबर व्यू भाई, दिल खुश हो गया। और ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है इंटरनेशनल, और अकेला घूमना था मुझे, मेरी ख्वाहिश थी। हम लोग दुबई में लगभग 3 से 4 ब्लॉग बनाएंगे, एक दुबई घूमने वाला, एक दुबई शॉपिंग वाला, और बनाते रहेंगे। अभी खान मुझे घुमाएंगे तो उस पर भी डिपेंड करता है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत से ब्लॉग आने वाले हैं इसके बाद भी। तो इस ब्लॉग में आपको मेरे ख्याल से तो मजा आया ही होगा, मजा आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मेरी किस मतलब कौन सी बात पे आपको हंसी आई, कौन सी बात पे आपको मजा आया। जैसे मैं आया, जो लोग मेरे जैसे घोचू है, मेरे जैसे तो नहीं, मैं तो बहुत ही घोचू है, आप मेरे से थोड़े हाउ माइंडेड, तो जो मेरे जैसे है, तो कैसे ट्रैवलिंग करना, और तो यहाँ तक ब्लॉग देखा जाए, ब्लॉग को शेयर करना, लाइक करना, और तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। बाय। बहुत तकरे इसके, बहुत बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।